गैस पाइपलाइन से प्रभावित और निस्तारी की मांग को लेकर पाटन तहसील के ग्राम मर्रा के ग्रामीणों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर गुहार लगाई। भारतीय किसान यूनियन छत्तीसगढ़ के बैनर तले मंगलवार को बड़ी संख्या में तहसील पाटन ग्राम मर्रा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी समस्याओं को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और गुहार लगाई। इस मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि भारत सरकार की कंपनी गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड कंपनी छत्तीसगढ़ में किसानों के खेतों से होकर गैस पाइपलाइन बिछा रही है। ये गैस पाइपलाइन महाराष्ट्र के नागपुर से ओडिशा राज्य के झारसुगड़ा तक जानी है, लेकिन गैस पाइपलाइन को छत्तीसगढ़ से गुजरने के दौरान गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड प्रबंधन के द्वारा मनमानी की जा रही है, जिससे कंपनी की पाइपलाइन छत्तीसगढ़ के 252 गाँव से होकर करीब 400 किलोमीटर की लंबाई में होकर गुजरेगी। लेकिन गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी छत्तीसगढ़ के किसानों को बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए ही तारबंदी के खेतों में तार काट कर घुस रहे हैं और 20 फीट गहराई तक जेसीबी से खुदाई कर रहे हैं और खड़ी फसलें वाले खेत को भी नहीं बख्श रहे हैं। इसी कड़ी में ग्राम मर्रा के लोगों ने बताया कि निर्माणाधीन शासकीय कृषि महाविद्यालय द्वारा पंचायत द्वारा आवंटित भूमि को महाविद्यालय द्वारा अधिग्रहण कर आम कृषि सिंचाई को बाधित किया जा रहा है, जिसे मुक्त कराने ग्रामीणों ने दुर्ग जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में ग्रामीणों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। आया हूँ, मैं ग्राम मर्रा का किसान हूँ। वहाँ पे ग्राम मर्रा में कृषि महाविद्यालय का निर्माण हो रहा है, जो किसानों की सिंचाई की तालाब और मोहल्ले वासियों की निस्तारी की तालाब और कृषि मार्ग को अधिग्रहित कर रहे हैं, तो हम तालाब को मुक्त किया जाए और किसानों के लिए रास्ता दिया जाए, इस मांग को लेकर आए हैं। अभी गेल इंडिया कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ में लगभग 252 गांव में 400 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, जिसमें किसानों को ना पूछे गए हैं, ना सहमति लिया गया है, ना संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार कलेक्टर वहाँ क्षेत्र के किसानों से मुलाकात किए हैं। जोर जबरदस्ती गेल इंडिया कंपनी द्वारा किसानों की ज़मीन में पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही है और उन्हीं के विरोध में हम लोग आज जिला प्रशासन कार्यालय कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। निश्चित तौर पर यह मांग अगर पूरा नहीं होगी तो हम लोग पक्के मोर्चे भारतीय किसान यूनियन के की तरफ से लगाएंगे। यहाँ हमला तरिया से और रास्ता से हमला काम है, तहन कुछ से काम नहीं है और बोला किसी यह वाले मन सब घेरा करा थे, तो हम कहाँ किसी केंद्र वाले मन नहीं आया हमला कहला, तो हम ऐसे कथन। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।